रोनी था ना रोनी, उसको कहीं भी भेज दो एक बार तो काम कंप्लीट करके आता था। वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन, चीयर्स। पर साला पागल हो गया, वो रकेट्री में जाके मर गया। बस लगता है मेरा टाइम आ गया। कुछ नहीं ए, नहीं तुम लोगों का भी टाइम आएगा। क्या हो गया? किधर जा रहे हो? क्या हो गया इसको? पागल हो गया, पागल हो गया। अरे पूरे हाल में फादर, फादर मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। फादर, फादर प्लीज हेल्प मी, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। फादर सब बड़ी हेल्प में फादर। सर, इस केस को लेकर गोवा के कैथोलिक कम्युनिटी में काफी टेंशन चल रहा है। एक हफ्ते में 2 मौतें हो चुकी हैं। बैठिए सर। आर्नोल्ड डिकुना के जैसे रोनी सिक्वेरा की मौत भी सिमोलियम चर्च के रेक्टरी में हो चुकी है। रेक्टरी मतलब जहाँ चर्च के फादर से रहते हैं? जी सर। दोनों केसेस में कोई सिमिलैरिटीज? यस मैम, मैम दोनों की बॉडीज पे सेम इंजरीज के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने सुसाइड किया, वो भी ब्रूटली। समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान अपने आप को इतनी ब्रूटली कैसे मार सकता है। उन दोनों की बॉडीज पे हमें ये निशान मिला। सुसाइड लग रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है ना? नहीं सर, लेकिन सर हमारा अंदाजा है कि आर्नोल्ड और रोनी रेक्टरी में फादर एगो के पास कन्फेस करने गए थे, क्योंकि उनके हाथ पर यही लिखा था, कन्फेस और डाई। कन्फेस करना था तो रेक्टरी में क्यों गए? कन्फेशन तो चर्च में होता है। सर एक्चुअली काफी दिनों से रेनोवेशन का काम चल रहा है चर्च में, इसलिए फादर एगो के पास कन्फेशन के लिए लोग रेक्टरी में जाते हैं बाय अपॉइंटमेंट। और ये डेथ सबसे पहले किसने रिपोर्ट की? सर सिमोलियम चर्च के हेड प्रीस्ट फादर एगो ने ही की। विक्रांत के हाथ पैर के घाव तो किसी और वेपन से किए हुए लगे, ऑटोप्सी से कुछ पता चला? मैम ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि ये किसी अति तापित हथियार से किए गए। मतलब हथियार को गर्म किया गया? यस मैम। मैम जख्म के आसपास का हिस्सा तुरंत जल गया था, कॉटराइज हो गया था, ब्लीडिंग हुई नहीं। हम भी इस बात को लेकर यह हैरान है, क्योंकि जब ये जख्म इन्फ्लिक्ट किए गए थे तब दोनों विक्टिम जिंदा थे। आर्नोल्ड डिकुना की मौत को 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम इस केस को सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कैथोलिक कम्युनिटी हमारे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो क्यों? सर उनका कहना है कि ये जख्म गॉड की मर्जी से हुए, इसलिए उनकी मौत रेक्टरी में हुई है, उनके पवित्र स्थान पर। इसलिए पुलिस की दखलंदाजी से वो लोग काफी नाराज हैं। और उस चर्च के हेड प्रीस्ट का इस बारे में क्या कहना है? सर फादर एगो तो इस विषय पर चुप है, अगर उनका सपोर्ट मिला होता तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स काबू में आ जाते और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी काफी स्मूथली हो जाती। लेकिन फादर एगो के चुप रहने से ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर इसीलिए मैंने आपको कॉल किया।
क्योंकि ऐसे सेंसिटिव केसेस में आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी जानते हैं। सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए इस केस को सॉल्व करने में। हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अदिति तुम जाकर उस फादर रेगो से मिलो, पता करो उसका क्या कहना है। ठीक है। मैम बी केयरफुल, कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक को आपकी इस मीटिंग के बारे में पता ना चले। टोटली कर मुझे विक्टिम्स के एड्रेसेस, उनके फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ SMS कर दो, और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उससे भी मिलना है। ओके सर। सर एक बात और, रोनी की फैमिली में तो कोई नहीं, अनमैरिड है, 2-4 छोटे मोटे क्राइम केसेस में पकड़ा भी गया, लेकिन आर्नोल्ड फैमिली मैन है सर। सर उसकी बीवी काफ़ी साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी है रिल्मा। रिल्मा मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम अपने फादर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता पाओ तो हमें उनकी मौत को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आनल मेरे फादर थे, मेरा उनसे ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो माय नाना एंड नानी, ओनली बिकॉज ऑफ देम आई हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव। मामा की डेथ के बाद वंस इन अ फोर्टनाइट वो घर आते थे, ना रौब जताते थे, शराब के नशे में धुत, पर आखिर में तो उनका आना जैसे बंद ही हो गया। तुम्हारी आखिरी बार अपने फादर से क्या बात हुई थी, कुछ याद है? सर 2 वीक्स पहले सडनली उनका कॉल आया मेरे पास। ही वाज सो ड्रंक और बहुत जोर जोर से रो रहे थे, कह रहे थे कि रिल्मा आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। उन्होंने बताया क्या कन्फेस करना चाहते थे? नहीं सर, मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उनकी मौत से जुड़ी हुई और कोई भी बात जो शायद तुम्हें खटकी हो या थोड़ी अजीब लगी हो, कुछ भी? सर एक्चुअली शॉक्ड, क्योंकि वो रेक्टरी गए थे कन्फेशन के लिए, पर वो तो गॉड में बिलीव ही नहीं करते, नास्तिक थे। ठीक। उनके हाथ और पैरों पे कुछ वूंड्स थे, वो का कहना है कि इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तुम्हें क्या लगता है, तुम भी इसमें मानती हो? सर रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। थैंक यू। Can I help you? क्या देख रही हैं आप? वो कुछ नहीं,
क्या आप ही फादर रीगो हैं? मैं एएसपी अदिति शर्मा, मुंबई पुलिस। आई एम सॉरी, मैं आपको टी कॉफी ऑफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस वक्त डायरेक्टरी में कोई होता नहीं है। नो प्रॉब्लम फादर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। फादर, लोगों का कहना है कि आर्नोल्ड और रॉनी के शरीर पर जो घाव मिले वो पवित्र घाव है, मतलब कि किसी सुपरनैचुरल फोर्स से किए हुए। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, नहीं लगता है, हाउ डज दैट अफेक्ट योर इन्वेस्टिगेशन? आप पुलिस फोर्स में, आप इन डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। आपको क्या लगता है ये वुंड्स मैनमेड हैं? फादर, आपके सिर्फ एक बार बोलने पर पूरे सांबुलिम की कैथलिक कम्युनिटी शांत हो जाएगी। हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करना आसान हो जाएगा और हम केस भी जल्दी से क्लोज कर सकते हैं। हमें इस वक्त आपके सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट? तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से ये कहूं कि ये डेथ मर्डर्स थे, जबकि आपके पास कोई सस्पेक्ट नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, प्रोबेबल कॉज नहीं है? आप मेरी जगह पर होती तो ऐसा कहती? लेकिन फादर, ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये पवित्र घाव कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। लोग खुद से भी ऐसे घाव बना सकते हैं और कई लोगों ने ऐसा किया भी है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उन पे गॉड के ब्लेसिंग्स हैं। डोंट यू थिंक कि आर्नोल्ड और रॉनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा? मैम, इट्स योर जॉब टू फाइंड द फैक्ट्स एंड इट इज माय जॉब टू टेल माय कम्युनिटी व्हाट द ट्रुथ इज। अग्री। वन मोर थिंग फादर, आपको क्या लगता है आर्नोल्ड जैसा एल्कोहलिक झगड़ालू आदमी जो गॉड को मानता भी नहीं था, उसके शरीर पर ये पवित्र घाव बनना कैसा हो सकता है? एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आई बिलीव गॉड अपने बच्चों में अंतर नहीं रखते। फॉर हिम एवरीवन इज अलाइक। गॉड की मर्जी को कोई बदल नहीं सकता। उनके जो प्लान होते हैं, हेलो, यस, व्हेन डिड इट हैपन? यू कैन ब्रिंग हिम। आई एम सॉरी, एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट आ गई है। समबडी इज वेरी सिक, आई हैव टू हियर हिज कन्फेशन, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, बट यू बी श्योर चर्च आपको पूरा कॉर्पोरेशन देगा। हम भी सच जानना चाहते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे कि आप किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करें, क्योंकि गॉड तो माफ कर देगा लेकिन उनके बच्चे इतने दयालु नहीं होते। थैंक यू फादर। अभी तुम्हें और वहां कहां जा रही हो? पुलिस स्टेशन इस तरफ है, चलो। यहां पर अभी एक गाड़ी थी और... हाँ थी, जिसके नीचे तुम आने वाली थी। नहीं, वो नहीं, एक और गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और अंदर कोई था जो मदद मांग रहा था। अचानक से कहां चली गई? वहम होगा तुम्हारा। आओ चलो, आओ। अच्छा, फादर रेगो से मीटिंग हुई तुम्हारी? उसका भी यही मानना है कि ये डेथ्स एक्ट ऑफ गॉड है। फादर, ईगो तो किसी ना किसी तरह से मेरे सारे सवालों को टाल रहे थे। इसका मतलब वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद वो भी यही चाहते हैं कि लोग सोचे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, मिरेकल्स है, ताकि उनमें भगवान का डर बना रहे। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उसका इसके पीछे। हो सकता है, लेकिन विक्रांत, मुझे ऐसा लगा जैसे उस फैक्ट्री में मेरे और फादर रीगो के अलावा भी कोई और था। तुम्हें लगा? मतलब किसी को देखा तुमने? देखा तो नहीं, मगर कोई ठीक से समझ में नहीं आ रहा।
हमेशा मेरे घर की लाइट क्यों जाती है? अरे यार, इसका फोन कभी लगता ही नहीं है यार। चेक कर लो क्या हुआ। सर क्या हुआ? मैं हूं। कुछ नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस रिपोर्ट से पता चला है कि आर्नोल्ड और रॉनी, इन दोनों का सिर्फ मौत का तरीका एक जैसा नहीं था, इनमें और भी किसी चीज का कनेक्शन है। वो कैसे सर? ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों के हाथों पे एसिड के ट्रेसेस पाए गए, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड। ये एसिड सिर्फ इंडस्ट्रीज को सैंक्शन किया जाता है, और इन दोनों के बैकग्राउंड चेक के अनुसार इन दोनों का किसी भी इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो या तो ये दोनों किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे, या फिर जख्मों को बनाने में इस एसिड का इस्तेमाल किया गया। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन सर हमें पहले क्यों नहीं मिली? और इसे ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था। 1980s में भी ऐसा ही एक केस हुआ था। एक आदमी ने अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए ऐसे ही एसिड से अपने हाथ पे वुंड्स किए थे, और उन्हें होली वुंड्स बताया था। मुझे लगा शायद इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लैब असिस्टेंट को ये वुंड्स दोबारा चेक करने के लिए बोला, और मेरा शक सही निकला। अब अगर ये पता चले कि लगभग पिछले 6 महीनों में किस किस ने इलीगली एसिड खरीदा है, तो एक केस सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को काम पे लगाता हूँ। हमने सारे ड्रग स्टोर और केमिकल लैब्स को अच्छे से चेक किया। सामोली में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पर इस स्ट्रेंथ का कार्बोलिक एसिड इतनी आसानी से मिल सकता है रिटेल। तो तुमने वो नाम मंगवाया जिन्होंने पिछले 6 महीने में इलीगली कार्बोलिक एसिड खरीदा? यस सर। ये देखिए सर, सर इलीगली तो ये काफी कम बिकता है और इसके सेल्स रिकॉर्ड नहीं रखे जाते, पर ये दो नाम सामने आए हैं, फादर रेगो और मार्टिन मिनीज़। विक्रांत, मुझे लगता है फादर रेगो के अलावा भी इस केस का कोई दूसरा पहलू है, हमें इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए। अदिति, अभी अभी फादर रेगो के खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिला है, इस वक्त इस केस का दायरा बढ़ा दिया तो केस अननेसेसरीली स्कैटर हो जाएगा। अभी ये लीड मिला है, इसे इमीडिएटली फॉलो करते हैं। विक्रांत, मैंने तुम्हें इस ब्लू कार के बारे में बताया था, मुझे लगता है उस कार के एक्सीडेंट का इस केस से कोई कनेक्शन है। अरे, तुम्हारे एक रैंडम विजन का इन डेथ से क्या कनेक्शन हो सकता है? वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए उस ब्लू कार के केस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ लो उस ब्लू कार को। नितिन, मुझे पिछले 1-2 साल में सांबोलिम में जितने भी कार के एक्सीडेंट हुए हैं उनके केस फाइल्स चाहिए, जिसमें कोई भी ब्लू कार इन्वॉल्व हो। ओके मैडम, सारी फाइल्स आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तब तक फादर रेगो से मिल ले, देखते हैं वो कार्बोलिक एसिड खरीदने के लिए क्या बहाना देता है। कार्बोलिक एसिड तो दोनों ने खरीदा था, तो फादर रेगो के अलावा हमें मार्टिन मेनेजेस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बारे में पता करो। मैडम, हमने इस शख्स को बहुत ढूंढा, लेकिन इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पेंटो एंड सन से जो इसके ऑफिस का एड्रेस मिला था वो भी गलत निकला। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, जल्द से जल्द ढूंढ लो इस मार्टिन मेनेजेस को। अच्छा ठीक है, अब चले।
Raymond, what is this? तुमने कहा था कि संडे तक काम हो जाएगा, and now you're asking for one month more? This is not fair. Anyway, I'll call you back. I have some visitors waiting for me. Yeah. Hi, Father. I'm Vikrant. Good to meet you. Likewise. हम आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जितनी जल्दी ठीक हो जाए, अच्छा होगा। एक तो चर्च में रेनोवेशन चल रहा है, ऊपर से ये सब प्रॉब्लम हो गया है। सब लोग निराश हैं, और बच्चे भी बहुत डर गए हैं। वो I completely understand, Father. हम भी उसी बारे में बात करने आए हैं। हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब अगर आप दे दें तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद हो जाएगी। First things first. ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक जो विक्टिम्स यहाँ पर मिले थे उनकी डेड बॉडीज पर कार्बोनिक एसिड के ट्रेसेस थे तो हमने पिंटो एंड सन्स में चेक किया वहाँ पे एक बिल मिला आपके नाम से आपने बड़ी मात्रा में कार्बोनिक एसिड खरीदा था बता सकते हैं क्यों आंसर इज वेरी सिंपल वी नीड इट फॉर क्लीनिंग नो क्लीनिंग और हम इतना स्ट्रेंथ वाला इसीलिए खरीदते हैं कि हम डाइल्यूट कर सके अपनी नीड के हिसाब से एम आई अ सस्पेक्ट हियर फादर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका जवाब देना जरूरी है प्लीज कोऑपरेट कीजिए व्हाई फादर डू यू थिंक यू शुडंट बी अ सस्पेक्ट आई मीन पिछले कुछ दिनों में आपके साथ बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हुए दो लोग जो चर्च में जाते भी नहीं थे उनकी डेड बॉडीज आपके रेक्टरी में मिली विद सो कॉल्ड होली वुंड्स उनके मर्डर के ठीक दो दिन पहले आपने कार्बोलिक एसिड खरीदा था इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कार्बोलिक एसिड जिसके ट्रेसेस हमें उनकी बॉडी से मिले एक ऐसा एसिड जिससे हड्डी तक पिघल जाती मार्गरेट 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 मुझे नहीं लगता ये फादर ही को हमें ढंग के जवाब देगा अगर रीजनेबल डाउट के बिना पर इसे कस्टडी में ले ले क्वेश्चनिंग के लिए तो शायद कुछ उगल दे नहीं विक्रांत अभी फादर रिगो को अरेस्ट करना एक गलती होगी अगर हमने ऐसा किया तो पूरी कैथलिक कम्युनिटी आंदोलन पर उतर आएगी और हमारा केस और उलझता जाएगा इनफैक्ट हमने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास एक सस्पेक्ट है जिसे हम कस्टडी में ले नहीं सकते कोई एविडेंस नहीं और तुम्हारा वो नीली गाड़ी वाला विजन है आगे क्या इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ रहा वो सब मुझे नहीं पता है इन सारे सवालों के जवाब तो मैं खुद ही ढूंढ रही हूं लेकिन एक और बात मुझे खटक रही जब मार्गरेट पर अटैक हुआ था तो फादर रिगो तो हमारे साथ थे ना शायद वो यही चाहता है कि तुम ये सोचो शायद इसीलिए मार्गरेट पे अटैक हुआ क्योंकि उस वक्त फादर रिगो दो पुलिस वालों के साथ था शायद उसका मार्गरेट को मारने का कोई इरादा ही ना हो मैं इस फादर रिगो के टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करता हूँ तुम अपनी वो विजन चेक कर लो चेक करो वैसा कोई एक्सीडेंट हुआ था भी या नहीं लेकिन इतने सारे केस फाइल्स में से वो केस ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे पास कार का कलर और टाइप के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सीडेंट कब हुआ था कहाँ हुआ विक्टिम कौन था फिगर आउट करना वैसे भी विजन्स तुम्हें आते हैं मुझे नहीं आई थिंक फर्स्ट टाइम वो मुझे विजन रेक्टरी में आया था मुझे वहीं जाना चाहिए
सिट माय चाइल्ड। अपना हाथ दो। कौन है आप? अरे कोई है। सब मेरी ही गलती है सर, मैंने ही मामा का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। वो बहुत परेशान रहती थी आजकल। किस वजह से? सर वो रिसेंटली अभी आप हमारे एक फैमिली फ्रेंड की डेथ हुई और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वो फैमिली फ्रेंड सांबुली में ही रहते थे? जी। आपकी फैमिली फ्रेंड जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो सांबुली में ही रहते थे? नहीं। नाम क्या था उनका? सर वो, चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यहाँ पे बात करने में तकलीफ हो रही है तो पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, वहां पे आगे की बात करेंगे। सर आर्नल्ड। आर्नल्ड? आर्नल्ड की डेथ के बाद मामा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। सारा टाइम अंधेरे में बैठी रहती थी और बोलती थी कि लाइट नहीं है। फिर सडनली उठ के रोती चिल्लाती, बार बार बस एक ही बात कहती, मुझे कन्फेस करना है। अपने बेडरूम के वॉल्स पर और मिरर पर भी उसी ने वही स्क्रिबल करा है। मार्गरेट का कमरा कहाँ? Excuse me, ASP Aditi, मैं ब्रदर मैथ्यू, आप शायद फादर रेगो से मिलने आई हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कोई और प्रीस्ट को ढूंढ रही हूँ जिन्हें मैं अभी अभी चैपल में मिली। सॉरी मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो लंबे से थे, उनकी उम्र काफी थी, लगभग 60 साल के आसपास। इतनी उम्र के तो कोई नहीं है यहाँ पे।
लेकिन आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो फादर डायस का है। ये कमरा उन्हीं का हुआ करता था। हुआ करता था मतलब अभी वो कहाँ है? जी वो हमारे पिछले हेड प्रीस्ट थे लेकिन अब वो नहीं रहे। वैसे आप फादर डायस को कैसे जानती है मैम? उनके साथ क्या हुआ था? जी लास्ट ईयर ही वो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। ठीक ठीक सर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सर हमने पिंटो एंड सन्स के ओनर से सच उगलवा लिया। उसका कहना है कि उसने पहले भी कई बार मार्गरेट को कार्बोलिक एसिड बेचा इस झूठे नाम पर, वो भी ब्लैक मार्केट रेट पर। उसने बताया मार्गरेट ये कार्बोलिक एसिड किस चीज़ के लिए खरीदती थी? सर उसका कहना है कि उसने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे ये झूठे बिल काटने के लिए। तो लोटलीगर, अब हमारे पास तीन विक्टिम्स हैं। तीनों कन्फेस करना चाहते थे, तीनों की वुंड्स भी सिमिलर है और तीनों का कार्बोलिक एसिड से कोई ना कोई ताल्लुक है। लेकिन सर एक बात समझ नहीं है, ये तीनों कन्फेस क्या करना चाहते थे? दो तो मर चुके हैं, जो जिंदा है उससे उसका कन्फेशन ले लेते। कौन है? कौन है? हेलो, हेलो, सैमुलियम चर्च के हेड प्रीस्ट फादर डायस की ऑटोप्सी रिपोर्ट और उनकी केस फाइल। मैम लेकिन ये फाइल क्यों? फादर डायस का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनकी डेथ का इस केस के साथ कोई कनेक्शन है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फादर की कार एक पेड़ से टकराई थी और ये रहा, उनके सिर के पिछले हिस्से में एक गहरा घाव था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि अगर कार सामने से टकराई थी तो सिर के पिछले हिस्से से इतना खून क्यों बह रहा था? मैम आपके कहने का मतलब है फादर डायस का मर्डर हुआ था, इतनी बड़ी चूक हमसे कैसे हो सकती है? मैम लेकिन ये मर्डर किया किसने होगा? आर्नोल्ड और रॉनी, उनके साथ कोई और भी था। अब ये तीसरा शख्स कौन था ये तो हमें पता करना होगा। हाँ अदिति, मैं बस हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूँ, जैसे ही मार्गरेट से बात होती है तो मैं फोन कर दूंगा। विक्रांत, आई एम प्रीटी श्योर सांबोलिम चर्च के पिछले हेड प्रीस्ट फादर डायस का मर्डर आर्नोल्ड और रॉनी ने किया, और मुझे शक है कि मार्गरेट या कॉलिन भी इसमें इन्वॉल्वड है। ठीक है, मैं मार्गरेट से सच उगलवाता हूँ, तब तक तुम लोटलीकर को बोलकर कॉलिन को पुलिस स्टेशन पे बुलवाओ। नहीं विक्रांत, अगर मार्गरेट और कॉलिन इसमें इन्वॉल्वड है तो दोनों की जान को खतरा है, तो मार्गरेट के साथ रुको, मैं कॉलिन के घर खुद जाती हूँ। मार्गरेट, मैं जानता हूँ कि रॉनी और आर्नल्ड के साथ फादर डायस के मर्डर में तुम इन्वॉल्व थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने इल्लीगली कार्बोलिक एसिड खरीदा था जिसके ट्रेसेस हमें रॉनी और आर्नल्ड के बॉडी पे मिले हैं। अब अगर कोऑपरेट करोगी और सब सच सच बोल दोगी तो ये हम कोर्ट में बताएंगे,
इससे तुम्हारे केस को फायदा होगा। अपनी ना सही अपने बेटे की तो सोचो। देखिए सर, मैं गरीब औरत हूं, ये कोर्ट कचहरी मुझे नहीं पता। मैं अपना कन्फेशन फादर रेगो के सामने ही करूंगी। हाँ, फादर रेगो के सामने करूंगी। आई रिक्वेस्ट यू, आप उन्हें बुला दीजिए। कॉलिंग, रुको, कॉलिंग, कॉलिंग, मेरी बात सुनो, रुको। कॉलिंग, रुको, कॉलिंग, कॉलिंग, रुको, कॉलिंग, रुक जाओ, कॉलिंग, मुझे छोड़ दो, मेरे कुछ नहीं किया। फादर, ब्लेस मी फॉर माय सन्स, प्लीज फादर। मार्गरेट, बात बहुत आगे बढ़ रही है। यू विल हैव टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ द पुलिस नाउ। फादर, आपको पता है ना, मैंने ये सब अपने बेटे कॉलिन के लिए किया, वरना अरना उसको मार डालता। माय चाइल्ड, ये मैटर तुमने अपने हाथ में क्यों लिया? Why didn't you ask for help? I loved Arnold. मुझे लगा वो भी मुझे प्यार करता था। मुझे बहुत देर बाद पता चला कि वो ड्रग डीलिंग करता था। मैंने उसे मना भी किया कि ये सब छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो ये छोड़ नहीं सकता। अगर उसने ये छोड़ा तो उसका बॉस उसको मार डालेगा। उसने धीरे धीरे कॉलिन को भी अपने इस गैंग में शामिल कर दिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बेटे कॉलिन को ना मार दे। उसने तो फादर डायस को भी मार दिया, इसलिए उसने जैसे कहा मैंने वैसे किया। आर्नल्ड और रॉनी के साथ फादर डायस को मारने वाला तीसरा आदमी कॉलिन था। होने वाला, मेरी बात मानो। तुमने फादर डायस के साथ जो भी गलत किया हो उसे मान लो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मान लो सब कुछ। मैंने फादर डायस को नहीं मारा, मेरी गलती नहीं है। आर्नोल्ड और रॉनी ने मिलकर फादर डायस को मारा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो? देखो कॉलिन, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मैम, सब मेरी ही गलती है। फादर डायस ने मुझे पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहा था, मगर मैंने और मम्मा ने फादर डायस को धोखे से घर पर बुलाया और रॉनी और आर्नोल्ड को मार दिया। मुझे मुझे फांसी दे दो, मैं मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अर्नोल्ड की बातों में आके मैंने बहुत गलतियां की। फादर डायस को भी धोखा दिया। अर्नोल्ड चीप केमिकल्स यूज करके डेडली ड्रग्स बनाता था, वो जाकर के अब टूरिस्ट को बेचते थे। पता नहीं कितने लोग तो बीमार भी हुए।
पर मुझे इन सब से निकलना था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मेरी माँ आर्नोल्ड के साथ बहुत खुश थी, तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था। मैं बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। फादर डायस बहुत ही अच्छे आदमी थे, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करेंगे। जब मैंने उनको वो सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे पुलिस के पास जाने के लिए कहा। और आर्नोल्ड को इस बात का पता चल गया? उन्होंने मेरी माँ को धमकी दी कि अगर उस रात किसी भी बहाने से फादर डायस को घर नहीं बुलाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। फादर डायस के आते पहले रॉनी ने और फिर आर्नोल्ड ने उनके सर पे वार किया, मगर फादर डायस वहाँ से बच निकले। रॉनी और आर्नोल्ड ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और हम लोगों ने उनका पीछा किया। लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी बेकसूर ने अपनी जान गंवा दी। रति, अक्सर कुछ भी करने से पहले ही हमें पता होता है कि उसका अंजाम क्या होगा, इसके बावजूद हम वही कर बैठते। फिर ये गलती कैसे हुई? रोटली कर लेकर जाओ। वैसे वैलिटी वाली लाइन अच्छी थी। थैंक यू। कहाँ पढ़ी? अरे जरूरी थोड़ी कि जो भी अच्छी लाइन में बोलूँ वो कहीं पढ़ी हो, मेरी खुद की है। या राइट। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? आओ एक और अच्छी लाइन सुनाता हूँ। क्या देख रही हो? चलो